हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, तो ये लाइव कीजिए। और आप देख सकते हैं कि पेशेंट कंप्यूटर की नेटिव कोई प्रॉब्लम। मिस्टर विशाल जी, आपको कोई तकलीफ है? नो प्रॉब्लम? नो, आपकी यहाँ सर्जरी चल रही है। एक्चुअली आपका क्या प्रॉब्लम था? थिनिंग था, ओवरऑल थिनिंग था। थिनिंग था और डेंसिटी भी कम। डेंसिटी कम था, जिसके लिए आपने रिफिलिंग का मतलब सोचा कि रिफिलिंग कराते हैं। तो मॉर्निंग में आपका एक्सट्रैक्शन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ आपका? नो। अभी आपका इम्प्लांट चल रहा है, कोई इशू है? नो। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम जो एक्सट्रैक्टेड ट्राफ है, जो हेयर फॉलिकल्स है, वो बाल जहाँ पे जो एरिया बालनेस होता है वहाँ पे लगाते हैं। इनका जो केस है, ये क्या है, इनके एक्चुअली बाल जो है सेंटर में पूरी तरह थिनिंग हो गया है। जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है वहाँ पे हम इम्प्लांट करने की, आप देख सकते हैं इनका एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। हम बीच बीच में जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है वहाँ पे इम्प्लांट कर रहे ताकि इनकी डेंसिटी बढ़े। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसा मतलब ये जो रिफिलिंग का जो प्रोसेस है, जिनकी डेंसिटी कम होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनका खालीपन दिख रहा है लेकिन फिर भी हेयर फॉलिकल्स है, तो ये जो है उस तरह का है। इसमें हम एक जगह पूरी पूरा ग्राफ नहीं लगाते, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ताकि जब ये ग्रो करे आपके एग्जिस्टिंग हेयर के साथ और ये जो इम्प्लांटेड हेयर है दोनों मैच हो जाए और आपकी डेंसिटी बढ़ जाए। तो इसलिए इसको पूरा ओवरऑल जो है, जो आपके एरिया है, जिस एरिया में आपकी ओवरऑल थिनिंग है वहाँ पे हम इसको इम्प्लांट करें। आप देख सकते हैं ये जब ग्रो करेगा आज से 3-4 महीने या 5 महीने बाद, तो क्या होगा, आपके जो थिनिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने इतना थेरेपी ले लिया या ये ट्रीटमेंट कर लिया तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग रिफिलिंग करते हैं। ये रिफिलिंग है जहां जहां पे आप देख सकते हैं, जहां पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है हम इसको थोड़ी थोड़ा, बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं इस तरह के केसेस, जहां पे आपको हेयर फॉलिकल्स नहीं दिख रहा है वहां पे ही हम इम्प्लांट करना है विदाउट डैमेजिंग आपके एग्जिस्टिंग हेयर। कोई दिक्कत है मिस्टर विशाल? लोग देख सकते हैं जहाँ पे हमको मतलब स्पेस मिल रहा है खाली, जहाँ पे मतलब हेयर फॉलिकल्स नहीं है वहाँ क्लियरली उसको वहाँ पे इम्प्लांट करें ताकि इनकी डेंसिटी बढ़े। एग्जिस्टिंग हेयर और इम्प्लांटेड हेयर मिलने के बाद जब 11 से 5-6 महीने बाद जो खालीपन जिसके लिए वो आए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे मतलब बहुत PRP ले लिया फिर भी बोलते कि नहीं मेरा अभी तक डेंसिटी नहीं बढ़ रहा, वैसे केसेस में रिफिलिंग कर सकते हैं आप लोग। For watching my this video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.